मालकिन मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी ही कमाई से मेरे बच्चों को खाना मिलता है मालकिन। तो मैं क्या करूं? मैंने तेरा ठेका लिया है क्या? चल फुट। गोपी एक कामवाली थी जो दूसरों के झूठे बर्तन धोकर अपना घर चलाती थी। पढ़ी लिखी ना होने के कारण लोगों के बर्तन धोने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके पति का काम छूटने के बाद उसी ने घर की बागडोर संभाल रखी थी। रोज की तरह गोपी अपने काम पर जाती है। मालकिन मैं आ गई। अब जाकर आई है तू? हाँ, किस बात के पैसे देती हूँ मैं तुझे? मालकिन बारिश का मौसम है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज तो मैं जैसे तैसे प्लास्टिक की थैली ओढ़ कर आई हूँ। एक छाता भी नहीं है क्या तेरे पास? इतना तो कमाती है, अपनी पगार से एक छाता भी नहीं खरीद सकती क्या? तुम लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, जानबूझकर बेचारे बनकर रहते हैं ताकि कोई मदद करे, है ना? इस महीने कुछ बचा नहीं मालकिन, घर का किराया भी 3 महीने से बाकी है। आपने 2 महीने से पैसे नहीं दिए, इस बार मिलाकर जो मिलेगा तो मैं किराया भी दे पाऊंगी, छाता भी ले लूंगी। हाँ तो तेरा काम ही ऐसा रहता है कि पैसे देने का मन ही नहीं करता। आज ही देख कितनी देर से आई है तू। अगर आप एक छाता दे पाए तो नया लेते ही मैं आपको आपका छाता लौटा दूंगी, और फिर मुझे देर नहीं होगी मालकिन। तेरा छुआ हुआ छाता मैं वापस लूंगी क्या? एक छाता निकाल कर रख दे रही हूँ, जाते वक्त लेती जाना। काव्या एक टूटा हुआ छाता निकाल कर गोपी को दे देती है। गोपी छाता लेकर वापस अपने घर को लौट जाती है, पर उस वक्त बारिश होती ही नहीं, इसलिए गोपी को छाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली सुबह जब गोपी फिर से काम पर निकलती है तो जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो जैसे ही छाता खोलती है देखती है कि छाता तो टूटा हुआ है। हे राम, ये छाता तो टूटा हुआ है, ऊपर से इसमें छेद भी है। बारिश तो इतनी तेज आ रही है मानो डूबो ही देगी, पर मुझे काम पर तो जाना ही होगा वरना मालकिन मुझे काम से ही निकाल देगी। इस महीने पैसे नहीं मिले तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी वहाँ महेश आता है। अरे गोपी, आज तेरे पगार का दिन है ना, याद से मालकिन से पूरे पैसे ले आना, वरना वो फिर कोई बहाना बना देंगी। ये मकान मालिक तो सर पर चढ़ा बैठा है, आज उसके हाथ में पैसे ना रखे तो वो इस बार पक्का हमें निकाल ही देगा। काम ना छूट जाए इस डर से गोपी काम पर निकल जाती है। तेज बारिश के कारण हर तरफ नाले सड़क पर बहने लग जाते हैं और गोपी उसी हालत में आगे बढ़ती जाती है। वो बुरी तरह भीग जाती है और इसी तरह गोपी जैसे तैसे काव्या के घर पहुंचती है। गोपी के पैरों में लगे कीचड़ के कारण काव्या के घर के टाइल्स पर भी कीचड़ लग जाता है। ये क्या, मेरे घर का सत्यानाश कर दिया तूने? मालकिन मुझे माफ कीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। निकल निकल मेरे घर से, मैं तुझे काम से निकालती हूँ। मालकिन मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी ही कमाई से मेरे बच्चों को खाना मिलता है मालकिन। तो मैं क्या करूँ, मैंने तेरा ठेका लिया है क्या? चल फुट। गोपी बहुत गिड़गिड़ाती है पर काव्या उसे बिना पगार दिए ही काम से निकाल देती है। जैसे ही गोपी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे और पति घर के बाहर बारिश में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। महीने का पैसा देने में देरी हो रही थी ना माँ, तो मकान मालिक ने हमें निकाल दिया। मैंने उनको कितना कहा कि आज माँ की पगार आएगी, पर वो है कि माने ही नहीं। अब तो आ गई है ना, पैसे दे दे झट से। अपनी बेटी की बात गोपी के दिल पर तीर सी चुभती है, पर वो लाचार माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके काम से भी उसे बिना पगार दिए निकाल दिया गया था। वो बिल्कुल चुप सी खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर महेश को हुए वाक्य का अंदाजा हो जाता है। बाप रे, ये रोज रोज घर में तो मेरा जी घुटता था, अमीर लोग तो सब वाटर पार्क जाते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते तो क्या, भगवान ने यहीं पार्क बना दिया। तो टेंशन मत ले गोपी। हाँ मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं। तेज बारिश में तीनों सर छुपाने की जगह ढूंढने लगते हैं। इतनी तेज बारिश, लगता ही नहीं कि आज बारिश रुकेगी पापा। यहाँ पास में जो मॉल है ना, वही चलते बेटा, जब तक मॉल बंद होगा हम बारिश से तो बचे रह पाएंगे। तीनों वहीं पास के एक मॉल में आते हैं। ए हट हट, न जाने कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं, भिखारी कहीं के। आज तो लगता है सारी मुसीबत एक साथ ही आधम की है। मम्मी वो देखो पाइप, हम उसके अंदर छिप सकते हैं।
सड़क के किनारे रखे पाइप के अंदर बैठकर गोपी, पिंकी और महेश खुद को बारिश से बचाते हैं। लगातार होती बारिश के कारण शहर में पानी का स्तर बढ़ जाता है। अब लोगों के कमर तक पानी आ चुका था। माँ, भूख लग रही है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। और तभी गोपी देखती है कि एक बच्ची बारिश के पानी में बहती हुई वहां से आगे बह रही थी। गोपी दौड़कर उसे बचा लेती है। अरे स्नेहा बीबी, आप, ये सब कैसे हुआ? मुझे गाड़ी में छोड़कर मम्मी मेरे लिए आइसक्रीम लेने गई थी। मैं खिड़की से बाहर की तेज बारिश देख रही थी। मम्मी तो मुझे बाहर जाने नहीं देती, इसलिए मैं भीगने के लिए कार से उतर गई, पर उतरते ही तेज बहाव में बह गई। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मेरा क्या होता? ये कहकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। गोपी उसे सीने से लगा लेती है। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है। अब इसे इसकी माँ को सौंप देना चाहिए, वो कितनी बेचैन होगी। गोपी और महेश पिंकी और स्नेहा के साथ काव्या के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद होती है। यू थिफ, मैंने तुम्हारा पेमेंट काट लिया तो तुमने मेरी बच्ची किडनैप कर ली। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। नहीं नहीं मालकिन। रुकिए मम्मी, कोई गोपी आंटी को कुछ नहीं करेगा। उन्होंने तो मेरी जान बचाई है, मैं तो पानी में बह गई थी। अब मुझे कहीं जाने ही नहीं देती, बस मॉल, रेस्टोरेंट, मुझे वो सब पसंद ही नहीं। मुझे बारिश देखनी थी मम्मी, इसलिए मैं कार से उतर गई और बारिश की वजह से तेज बहाव में बह गई। आंटी ने तो मुझे बचाया, मेरा बहुत ख्याल रखा। चलिए, आपकी बच्ची मिल गई, अब हम चलते हैं। और हाँ, जिनसे आप काम करवाती है ना, उनका पेमेंट क्लियर रखा कीजिए। ये कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। अपनी बेटी की बात सुनकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब क्या हो गया, मेरे घमंड ने आज ये क्या कर दिया। मैंने तुझे काम से निकाला गोपी, और भगवान ने मुझे मेरी बच्ची से अलग कर दिया। वो 4 घंटे कैसे बीते हैं मैं ही जानती हूँ। तुझे अपने घर का किराया देना था ना, उसका क्या हुआ? मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हम सड़क के किनारे की पाइप में बैठे हुए थे, तब हमने स्नेहा बेबी को देखा। उसके बाद से वो हमारे साथ ही थी। हे भगवान, मेरी वजह से तुम लोगों को जो झेलना पड़ा उसकी सजा मेरी बच्ची को मिले। मुझे माफ कर दो गोपी, और अब से तुम मेरे घर एक काम वाली नहीं, स्नेहा की गार्डियन बनकर रहोगी। मेरी फैक्ट्री में मैं तुम्हारे पति को भी रख लूंगी, और पिंकी अब से स्नेहा के साथ ही पड़ेगी। इसे मेरे सॉरी बोलने का एक तरीका ही समझ लो, और प्लीज मना मत करना। वो बारिश जिसने गोपी से सब कुछ छीन लिया था, उसी ने बहुत कुछ दे दिया। मानो बंजर जमीन पर एकाएक ही फसल उगाई हो। इसके बाद महेश काव्या के फैक्ट्री में काम करने लगता है, पिंकी स्कूल जाने लगती है, और गोपी काव्या का घर संभालती है।